सब्सक्राइब करने के लिए पहले ये लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके बाद ये बेल आइकन को दबाइए। अब आपको हमारे हर नए वीडियो का सबसे पहले अपडेट मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खोज इंडिया। मैं हूं चंदन। पर्टिकुलर इस वीडियो के लिए मैंने पिछले कई दिनों से बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे थे, रिसर्च वगैरह कर रहे थे, क्योंकि इस वीडियो में मुझे बताना है अकॉर्डिंग टू माय चॉइस टॉप 10 स्कूटर का लिस्ट। अपने बहुत सारे मैसेजेस मुझे देते हो कि जुपिटर खरीदूँ या माइस्ट्रो एज, एक्टिवा खरीदूँ या फैसिनो। ये बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे कमेंट बॉक्स पे आए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इंडिविजुअल आंसर ना देके ये वो टॉप 10 एक लिस्ट ही बना देता हूँ, तो आपको सुविधा होगा, आपको मालूम पड़ जाएंगे कि मेरा चॉइस क्या है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं किस पॉइंट के ऊपर ये लिस्ट बनाए है। मैं पहला जो पॉइंट था स्कूटर का लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी, ये दोनों मुझे बहुत ही ज़रूरी था। जो चार पॉइंट मैंने बनाए थे उसमें एक पॉइंट ऐसा थे कि लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी के ऊपर मुझे वो सीरियल बनाना है। दूसरा जो पॉइंट्स मैंने देखा पावर एंड माइलेज, स्कूटर का जो पावर एंड माइलेज है वो भी बहुत ज़रूरी है डेली हम लोग जो राइड करते हैं उसके लिए, तो ये भी एक मेरा दूसरा पॉइंट था। तीसरा जो पॉइंट था वो था स्कूटर का परफॉर्मेंस एंड हैंडलिंग, वो परफॉर्म कैसे करते हैं और हैंडलिंग कितना इजी है कितना इजी नहीं है, ये भी एक ज़रूरी पॉइंट था। और लास्ट जो पॉइंट था मेरे अपने हिसाब से मैं जिसके ऊपर लिस्ट बनाए है वो है इसका प्राइसिंग एंड डीजल वैल्यू। बहुत सारे स्कूटर्स हैं जो इस लिस्ट में आना चाहते थे, लेकिन मैं ये चार पैरामीटर को दिमाग में रख के ये रिसर्च किया है और एक लिस्ट बनाए है। अगर मैं 10 से लेके 1 तक स्कूटर खरीदने की सोचूँ तो वो लिस्ट क्या होगा। हाँ, जाहिर है मेरा चॉइस से हर वक्त आपका वो सीरियल नंबर आपका जो चॉइस है वो शायद मैच नहीं होगा, या फिर ऐसा कोई स्कूटर जो आपको पसंद है लेकिन मेरे लिस्ट में नहीं है तो वो तो होगा ही। तो क्या करें, मैं अपने हिसाब से अपनी चॉइस के ऊपर मैं लिस्ट आपको बताऊंगा। और एक ज़रूरी बात, मैं जो लिस्ट आपको बताने जा रहा हूँ वो सारे स्कूटर का मैं इंडिविजुअल शोरूम से रिव्यू कर चुका हूँ। किसी स्कूटर के ऊपर तो मैं ओनर्स रिव्यू भी कर चुका हूँ, तो अगर आप नहीं देखे और डिटेल देखना चाहते हो तो वो वीडियो आप देख ही सकते हो, और आप कमेंट बॉक्स पे भी मुझे कमेंट दे सकते हो कि मुझे वो वीडियो, वो स्कूटर का वीडियो रिव्यू वीडियो मुझे बोलिए, मैं आपको वो लिंक दे दूँगा। तो मैं उसी स्कूटर का आपको बताऊंगा अभी टॉप 10 लिस्ट में जो सारे स्कूटर का मैंने रिव्यू किया है। तो मैं सारे डिटेल स्पेसिफिकेशंस या फीचर्स कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो तो वीडियो में ऑलरेडी है, आप देख ही सकते हो। मैं अकॉर्डिंग टू पैरामीटर मैं जो लिस्ट बनाए हैं मैं जस्ट वही आपको डिलीवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 स्कूटर्स अकॉर्डिंग टू माय चॉइस, क्या क्या है, क्या क्या आए हैं और क्या नहीं है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिर तो मेरा फर्स्ट जो स्कूटर है वो नंबर 10, मैं काउंट डाउन करूँगा 10 से लेके 1 तक। तो पहला स्कूटर है, पोजीशन है इसका नंबर 10, और ये स्कूटर है बहुत ही अच्छा डिसेंट लुक है इसका। इस स्कूटर का एक क्रोम फिनिश है, कलर ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है, फुल फाइबर बॉडी है तो लाइट वेट है, कोई भी इसे कैरी कर सकते हो। और मैं नंबर 10 पे ये स्कूटर है कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इसे, या फिर अगर एज ज़्यादा हो तो वो भी, ये लाइट वेट होने के कारण, फाइबर बॉडी होने के कारण ईजीली ये स्कूटर को हैंडल कर सकते हैं। और इसका लुक्स बहुत ही बढ़िया है क्रोम फिनिश के साथ। रास्ते पे जब ये स्कूटर चलते हैं मेरा नज़र तो हमेशा इसके ऊपर ही जाते हैं। तो और ये स्कूटर है यामाहा फैसिनो एट नंबर 10। ब्लू कोट टेक्नोलॉजी का इंजन इसमें है यामाहा फैसिनो। यामाहा फैसिनो का जो कलर है आपको बहुत ही पसंद आएगा, और इसका मैं बोलूँगा कि आपका एज कोई भी हो कुछ भी हो, आप ये स्कूटर, अगर आप एक स्टाइलिस्ट पर्सन हो तो ये स्कूटर आपको लेना ही चाहिए।
ये स्कूटर खुद बहुत ही स्टाइलिश स्कूटर है, मुझे पर्सनली अकॉर्डिंग टू लुक्स अकॉर्डिंग टू हैंडलिंग ये स्कूटर बहुत ही पसंद है। एट नंबर 10 यामा फेसिनो, इसका प्राइस 100 प्राइस इन कोलकाता है अप्रॉक्सीमेट 66,000 इन कोलकाता 100 प्राइस। तो अगर आप एक स्टाइलिश स्कूटर चाहते हो तो यामा फेसिनो इज गुड वन एंड यामा फेसिनो एट नंबर 10। नाउ नंबर 9, अगर आपके पास बजट का कोई प्रॉब्लम ना हो और आप क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हो तो ये स्कूटर बिल्कुल आप ही के लिए बना है। इस स्कूटर का मैंने जब रिव्यू किया था, इसको सामने से टच करके फील करके मैंने जो देखा, इस स्कूटर का हर एक पार्ट्स हर एक चीज़ बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट है, फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है। इस स्कूटर का क्वालिटी के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये स्कूटर अपने आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया स्कूटर है। और ये जो स्कूटर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, ये है वेस्पा VXL और SXL, लेकिन वेस्पा एट नंबर 9। रेट्रो लुक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है ये वेस्पा। ये स्कूटर अगर आप एक खरीदोगे, रीसेल करने की कोई बात अभी दिमाग में ना हो, तो आप ये स्कूटर आराम से खरीद कर सकते हो। 10 साल तो आराम से जाएंगे ये स्कूटर, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया स्कूटर है, फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है, तो ये स्कूटर आप खरीद कर सकते हो। हाँ, 70,000 में दूसरा बहुत सारे स्कूटर्स, नॉर्मल स्कूटर्स मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन ये स्कूटर में जो बात है जो दूसरे स्कूटर में नहीं है। प्राइस है इसका 1,15,000 टू 1,25,000 अकॉर्डिंग टू मॉडल, ये प्राइस चेंज होता है। ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता 1,15,000 टू 1,25,000 आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इसे खरीदोगे और इसे राइड करोगे तो आपका राइडिंग स्कूटर का जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो कुछ अलग लेवल का होगा। तो एट नंबर 9 वेस्पा VXL 150। नाउ एट नंबर 8, कंप्लीट डिफरेंट लुक एंड स्टाइल, सुपर पावर एंड सुपर पिकअप के साथ ये स्कूटर है, ये स्कूटर है एप्रिलिया एसर 150। आप चाहे गांव में रहिए या फिर शहर में, हर एक रास्ते में ये स्कूटर बहुत ही बढ़िया, गुड सस्पेंशन, अच्छा पिकअप के साथ और अच्छा कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये स्कूटर आते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है एप्रिलिया। मैं आपको प्राइस बता दूं, इस स्कूटर का जो प्राइस है ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता है एसआर 150 का है 92,000 और एसआर 150 रेस का जो प्राइस है ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता वो है 96,000। तो आप कोई भी ये स्कूटर खरीद सकते हो, बिल्कुल न्यू जनरेशन का स्कूटर है, पावर पिकअप, इसका सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया है, अच्छा स्कूटर है। तो ये एप्रिलिया एसआर सीरीज स्कूटर एट नंबर 8 अकॉर्डिंग टू माई चॉइस। नाउ एट नंबर 7, नंबर 7 पे जो स्कूटर है ये ब्रांड बहुत ही ट्रस्टेबल है, मेटल और फाइबर का कम्बाइंड बॉडी है, इसमें मीटर कंसोल एनालॉग और डिजिटल कॉम्बिनेशन का मीटर कंसोल है, बहुत ही इजी टू हैंडल है ये स्कूटर। ये स्कूटर है सुजुकी एक्सेस 125। डिसेंट कलर एंड
डिस्क ब्रेक के साथ आपको ये स्कूटर मिलेगा। ये स्कूटर का जो ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता है ये है 73,000 अराउंड, अप्रॉक्स ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता 73,000 आपको ये मिलेगा। माइलेज अच्छा देता है। मैं माइलेज के ऊपर एक बात आपको बता दूँ, ये जो सारे जो स्कूटर है ये एवरेज माइलेज आपको 45 to 50 देगा। ये भाई आप पकड़ के चल सकते हैं। हाँ, कोई स्कूटर 55, कोई स्कूटर 38-40, तो मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ कि 45 to 50 ये एवरेज पकड़ के आप चलिए। सारे स्कूटर जो है इस सेगमेंट में आपको ये माइलेज पर किलोमीटर पर लीटर आपको एवरेज देगा। तो नंबर 7 पे ये सुजुकी एक्सेस 125 माई चॉइस। नाउ एट नंबर सिक्स पे जो स्कूटर है, इस स्कूटर का नाम काफ़ी है, बाकी कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका नाम बहुत ही डिपेंडेबल है, ट्रस्टेबल है। आप ये स्कूटर आराम से खरीद कर सकते हो और रीसेल वैल्यू तो इसका पूछिए मत। आप जब भी इसे सेल करना होगा तो आप कोई भी किसी को भी बोलिए मुझे ये स्कूटर सेल करना है, आराम से ये स्केल कोई भी ये स्कूटर खरीद लेगा। इंडिया के हर जगह में ये स्कूटर अवेलेबल है और ये स्कूटर आपको इंडिया के किसी भी कोने में जाइए आपको ये स्कूटर मिलेगा, क्योंकि ये जो स्कूटर है एट नंबर 6 ये है होंडा एक्टिवा 4G। अगर आप कन्फ्यूज हो कि कौन सा स्कूटर ले या कौन सा ना ले, तो होंडा एक्टिवा इज़ अ गुड चॉइस। इसका जो प्राइसिंग है वह तो 61,000 ऑन रोड प्राइसिंग कोलकाता अप्रॉक्सीमेट है और फाइबर और मेटल बॉडी का कॉम्बिनेशन है इसका। वेरी मच रिलायबल, ट्रस्टेबल, डिपेंडेबल स्कूटर है ये। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो है, पार्ट्स हर जगह अवेलेबल है। इंडिया में किसी भी कोने में आप चले जाइए ये स्कूटर आपको मिलेगा। ये है होंडा एक्टिवा 4G एट नंबर 6 अकॉर्डिंग टू माई चॉइस। नाउ नंबर 5, आप मुझे बता सकते हो कि ये स्कूटर नंबर 5 पे क्यों? बहुत सारे स्कूटर्स है और भी वो अपना, लेकिन ये स्कूटर नंबर 5 क्या करे? मैं जब मैं कोशिश किया है कि ये जो सारे स्कूटर है मैं उसे पर्सनली राइड करूं। मैं पर्सनली बहुत लोगों से पूछा, इसका फीडबैक लिया, मैं खुद इसका रिव्यू किया, तो ये सब पैरामीटर को देख के ये स्कूटर ऐसे सीरियल में मेरे हिसाब से मेरा जो पसंद है मैं जिस पैरामीटर को देखा उसी हिसाब से मैं इसे ध्यान से बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके ये सीरियल बनाए हैं। तो नंबर 5 पे जो स्कूटर है मेरे लिस्ट में ये है होंडा एविएटर विथ डिस्क। रिलायबल स्कूटर है, आप ये स्कूटर आराम से खरीद कर सकते हो। मैं जब पर्सनली स्कूटर खरीदने के लिए गए थे तो मैं ये स्कूटर खरीदने ही वाला था। बहुत सारे अच्छा पॉइंट इस स्कूटर में है। इसका स्कूटर में जो राइडिंग परफॉर्मेंस है, जो माइलेज है, नो डाउट वेरी गुड है। मुझे बहुत ही पसंद है ये स्कूटर होंडा एविएटर विथ डिस्क ब्रेक एट नंबर 5। नाउ एट नंबर फोर पे जो स्कूटर है इसके बारे में हम क्या कहें? ज़्यादा का फायदा, क्योंकि ये जो स्कूटर है ये बहुत ही वेल बैलेंस्ड स्कूटर है। ये पावरफुल इंजन है, परफॉर्मेंस और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है। और इसका जो
परफेक्ट, ये स्कूटर एक परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, क्योंकि ये स्कूटर है, मैं पर्टिकुलर मॉडल भी आपको मैं मेंशन कर देता हूँ स्कूटर का, ये है TVS Jupiter ZX। आपका एज कुछ भी हो, ये स्कूटर आप आराम से राइड कर सकते हो। बहुत ही डिपेंडेबल स्कूटर है ये, इसका जो कलर वेरियंट है वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पर्टिकुलर मैं वो मॉडल के बारे में बताऊंगा, TVS Jupiter ZX विथ डिस्क ब्रेक, और इसका मैं ऑन रोड प्राइस भी बता दूं आपको, इसका ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता है अप्रॉक्सीमेट 68,000, तो इसमें आपको मिल जाएंगे। हाँ, कुछ बहुत सारे वेरिएंट है, वो वेरिएंट आप वो देख लेंगे, लेकिन मुझे पर्टिकुलर जुपिटर ZX ये मॉडल मुझे अच्छा लगता है, तो ये एट नंबर 4 TVS Jupiter ZX। नाउ एट नंबर 3, नंबर 3 पे जो स्कूटर है, मैं बहुत ही नंबर जितना कम होते जा रहा है कि 5, 4, 3, 2, 1, तो तब बहुत सारे कंपटीशन और भी बढ़ गए थे, तो मैं बहुत ही सोच समझ के बहुत टाइम लगाया ये इसे इस स्कूटर को नंबर 3 में लाने के लिए, क्योंकि ये नंबर 2 डिजर्व कर रहा है या नंबर 4 डिजर्व कर रहा है, मुझे ये रिसर्च करने में बहुत ही टाइम लगा, क्योंकि ये जो स्कूटर है एक वेल बैलेंस्ड स्कूटर है, इसका बैलेंसिंग बहुत ही बढ़िया है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ, इसका बैलेंस वेरी गुड है, बॉयज़ हो या गर्ल्स ये स्कूटर आप आराम से राइड कर सकते हो, बिल्कुल टेंशन ही नहीं है। इसका जो मीटर कंसोल है, एनालॉग डिजिटल मीटर कंसोल है, फुल मेटल बॉडी के साथ ये स्कूटर है, ये स्कूटर है TVS Wego। प्राइस इन कोलकाता है 65,000 अराउंड। ये स्कूटर डिस्क ब्रेक इसका है, फुल मेटल बॉडी के साथ, ये आप सिटी में रहो या फिर गांव में जहां पर भी आप रहो, ये स्कूटर बिल्कुल परफेक्ट है, बॉयज़ या गर्ल्स दोनों इसे आराम से राइड कर सकते हैं। साइज बहुत ही, इसका जो डायमेंशन है ये बहुत ही अच्छा है, मुझे पर्सनली ये स्कूटर बहुत ही अच्छा लगता है, TVS Wego एट नंबर 3। नाउ एट नंबर 2, अब यकीन मानिए ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1 ये पोजीशन में जो स्कूटर से, इनके बारे में मैं पर्सनली बहुत रिसर्च किया है, और रिसर्च कर में तो पहले इसका रिव्यू मैं पहले कर चुका था, लेकिन उसके बाद मुझे पर्सनली जहाँ पर भी कोई भी मिले, मैं उसे राइडर उसे मैं पूछा कि भाई माइलेज बोलो, परफॉर्मेंस बोलो, प्रॉस कॉन्स बोलो, मैं पर्सनली उसे पूछता हूँ, और मैं पर्सनली राइड भी किया है कोई कोई स्कूटर, मुझे जो एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 2 जो स्कूटर है, ये स्कूटर के बारे में मैं बता दूँ, मैं मार्केट में जितना स्कूटर है किसी स्कूटर में ऐसा फीचर्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर 2 में है हीरो माइस्ट्रो एज ZX। जैसे
कि आप जानते हैं मैं ये स्कूटर पर्सनली यूज कर रहा हूँ। माइलेज के बारे में मैं आपको बताऊँ, ये फर्स्ट सर्विसिंग के बाद मुझे 42, 43, 44 मिल रहा है, लेकिन इसका फुल फाइबर बॉडी है, लाइट वेट है, लेकिन इसका पिकअप जो है इनिशियल पिकअप बहुत ही अच्छा है। इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ, ऑन रोड प्राइसिंग कोलकाता आपको 68,000 में मिल जाएंगे। इसका पिकअप, इसका बॉडी ग्राफिक्स, इसका परफॉर्मेंस, इसका हैंडलिंग, सब कुछ मिला के, फीचर्स ये सब कुछ मिला के एट नंबर 2 अकॉर्डिंग टू माई चॉइस हीरो माइस्ट्रो एज ZX। नाउ एट नंबर 1, मैं आपको पहले बता दूं, नंबर 2 में जो स्कूटर है हीरो माइस्ट्रो ZX अकॉर्डिंग टू माय चॉइस, उतना फीचर्स नंबर 1 इस स्कूटर में नहीं है, उतना फीचर्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्कूटर नंबर 1 है, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है, जो पिकअप है, जो पावर है, जो हैंडलिंग है, जो रिसेल वैल्यू है, सब कुछ मिला के ये स्कूटर नंबर 1 होना ही था। मैं कौनस इस स्कूटर में डिसएडवांटेज में बहुत सारे लोगों को पूछा, इसका डिसएडवांटेज बताओ, क्योंकि इसका एडवांटेजेस बहुत है। फीचर्स कुछ कम होने के कारण, फीचर्स कम मतलब आपको वो फ्यूल फिलिंग सिस्टम अंडर मिलेगा, अंडर सीट मिलेगा, और अंडर सीट स्टोरेज आपको 18 लीटर्स मिलेगा, वो कुछ कम है, और फिर आपको बूट लाइट नहीं मिलेगा, ये कुछ माइनर फीचर्स है, लेकिन बाकी इसका जो परफॉर्मेंस, पिकअप, हैंडलिंग, पावर जो भी है, बहुत ही बढ़िया है। ये है नंबर 1 होंडा एक्टिवा 125, नो डाउट। बिल्कुल आप भरोसे के साथ जाइए शोरूम में, एक टेस्ट राइड लीजिए, और ये स्कूटर खरीदने के लिए कोई सेकेंड ऑप्शन और इसके साथ कोई दूसरा कुछ आपको नहीं मिलेगा। होंडा एक्टिवा 125 अगेन इज माय फर्स्ट चॉइस, टॉप 10 स्कूटर में से फर्स्ट चॉइस होंडा एक्टिवा 125। तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ क्लोज योर आइज, टेक ए टेस्ट राइड एंड बाय दिस स्कूटर। हाँ, आँख बंद करके, मतलब वो एक कहावत है, आँख बंद करके आप चलाए मत। ये स्कूटर बिल्कुल मैं फिदा हूँ इसमें, मुझे ये नंबर 1 नंबर और कोई नंबर इसके लिए नहीं है, नंबर 1 में ही है होंडा एक्टिवा 125 अगेन। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगे। कोई कोई स्कूटर आपको शायद वो आप चाहते थे कि ये 5 महीने, ये 3 महीने होना चाहिए, ये 7 महीने, ये 10 महीने होना चाहिए, तो इसके लिए मेरा जो पॉइंट्स था उसी के ऊपर मैंने बहुत सारे टाइम देख के ये बनाए है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक्स ज़रूर दीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट दे सकते हो। और इसका मैं जो पूरा जो 10 स्कूटर है इसका पूरा रिव्यू मैंने कर चुका हूँ पहले ही शोरूम से, आप वो देख सकते हो। अगर नहीं मिला तो मुझे बताइए, मैं आपको वो लिंक कमेंट बॉक्स पे आपको दे दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर जल्दी मुलाकात होंगे अगले वीडियो में नया बाइक या नया स्कूटर के साथ। तब तक के लिए आप स्कूटर तो खरीद लीजिए, और स्लो ड्राइव कीजिए, सेफ ड्राइव कीजिए, और अपना हेलमेट ज़रूर पहनिए, और खोज इंडिया देखना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।